उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इफ्तार पार्टी के आयोजन को लेकर नया बवाल खड़ा हो गया है। यहां छात्रों के एक समूह ने कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन का एक प्रतीकात्मक पुतला बुधवार रात परिसर में उनके आवास के सामने जलाया, क्योंकि उन्होंने महिला महाविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों द्वारा आयोजित एक इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया था। वहीं विश्वविद्यालय के छात्रों का मानना है कि इफ्तार पार्टी देकर महाविद्यालय को मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। विश्वविद्यालय में पिछले 5 साल से इफ्तार का आयोजन नहीं हुआ, पहली बार इसका आयोजन हुआ। विश्वविद्यालय द्वारा मजहबी रंग देने का प्रयास हो रहा है। बीएचयू के छात्रों का ऐसा मानना है कि वीसी ने बीएचयू परिसर में इफ्तार पार्टी आयोजित करने की एक नई परंपरा शुरू की है और इसे एक विशेष समुदाय को खुश करने का आरोप भी लगाया है। पहली बार विश्वविद्यालय के इतिहास में आधिकारिक रूप से जो है एमएमबी जो विश्वविद्यालय में महिला महाविद्यालय है उसने आधिकारिक रूप से उसके प्राचार्य ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, रेक्टर, चीफ प्रॉक्टर समेत सभी अधिकारी गए। पीआरओ ने उसकी ऑफिशियल इन्विटेशन दी। प्राचार्य के नाम से अधिकारी जिनको जिनको निमंत्रण गया प्राचार्य के नाम से गया। ये आधिकारिक आयोजन था, उसका पूरा खर्च विश्वविद्यालय ने वहन किया और ये इतिहास में पहली बार हुआ है। यहाँ तक कि जब कभी भी इसके पहले ऐसा आयोजन इफ्तार का कभी नहीं हुआ है। और तो छात्रों ने उसके बाद उसका विरोध किया, विश्वविद्यालय का पुतला फूका। आज भी विश्वविद्यालय में छात्र उसका विरोध करेंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस परंपरा को बंद कर दिया है। राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के आवास में ये परंपरा होती थी, उसको बंद किया जा सकता। विश्वविद्यालय में क्यों ये नई परंपरा शुरू की जा रही है? गंगा जमुनी तहजीब मनाने विश्वविद्यालय में छात्रों को फेलोशिप नहीं मिल रही है, छात्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, विश्वविद्यालयों में छात्रावासों में मेस नहीं चल रहे हैं। गंगा जमुनी तहजीब के रक्षण के लिए बहुत लोग हैं। विश्वविद्यालय पर कुलपति का काम है विश्वविद्यालय के प्रशासन को चलाना, विश्वविद्यालय को चलाना, विश्वविद्यालय की व्यवस्था सुचारू रूप से, इसकी जिम्मेदारी है कि इफ्तार पार्टी करना उनका काम है। ये नहीं होने दिया जाएगा। नई परंपरा किसी भी तौर पे कोई छात्र कर रहा होता आप चले गए तो दूसरी बात है, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ये किया गया है ये निंदनीय है और ये हम नहीं होने देंगे, नई परंपरा नहीं डालने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वीसी ने अन्य त्योहारों को छात्रों के साथ मनाने के लिए समय नहीं दिया, इसलिए छात्र विरोध कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि ये पहली बार हुआ है। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि वीसी ने जानबूझकर ऐसा कार्यक्रम महिला महाविद्यालय में रखा ताकि इस कदम से नाराज छात्र अपना प्रदर्शन करने वहां पर ना जा सके। Thank you.